प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। पार्टी के साथ साथ क्या माहौल भी चेंज हो रहा है, जो कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और बाबा साहब का नाम बार बार लिया गया पर एक बार भी जय भीम नहीं बोला गया और एक बार भी बाबा साहब को कोई गाना अभी तक प्ले नहीं किया गया है? नहीं, बाबा साहब के बहुत गाने प्ले किए गए और शायद आपने सुने नहीं हो, कोई लाइव गाना अभी तक नहीं हुआ, बस एक एक स्क्रीन पे गाना आया था, उसके बाद कोई गाना नहीं आया। मोनालिसा एक गायक है, बहुत अच्छी गायक है, पिछले दो घंटे से बाबा साहब के गाने बहुत अच्छे गाती है, पर आप में से किसी ने भी अभी तक वो गाना नहीं सुना, पिछले दो घंटे से। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी का आज एक प्रोग्राम है, इट इज़ अ वेलकम प्रोग्राम, एक साहब का अभिनंदन है, ठीक है। इसके अंदर हर एक टाइप के गाने हैं, हर एक टाइप के फिल्मी गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, शराब के गाने हैं, पर बाबा साहब के कोई गाने नहीं। बाबा साहब का एक गाना है, जिस गायिका की आप बात कर रहे हैं, एक वो गायिका बहुत लेट हमें पता लगा और वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी, हमारा प्रोग्राम पहले से सेट था, हमारा प्रोग्राम हमने जो बाबा साहब, आपने उस गायिका का पोस्टर में नाम भी लगा रखा है, पोस्टर में फोटो भी लगा रखा है और पिछले ढाई घंटे से वो यहीं पर ही है, बहुजन राष्ट्रीय गायिका है वो, अम्बेडकर हमारे से वो मिली नहीं किसी, कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया को इससे नाराजगी भी, हमने नाम डाला है तो हमारे से वो मिलना नहीं। मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा, जय भीम। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अंदर जाकर के उनका एक गाना प्ले करवाएं अभी, प्लीज, अभी बहुजन मीडिया और राष्ट्रीय गायिका। और जैसे कि रिक्वेस्ट आई है कि बाबा साहब जी का जो ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम है उसको और ही सुंदर बनाना है, तो एक बाबा साहब जी का बहुत ही सुंदर गीत मेरी ही एल्बम से है जो कि पैरोडी है, Oh, shit.